वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बाय ब्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं, लगभग बहुत लोगों ने मेरे से पर्सनल में आके क्वेश्चन पूछा, वीडियो में क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली जायज़ भी है ऐसा क्वेश्चन पूछना, और सबके दिमाग में ये बातें घूम रही होती हैं, वो है रेसिज्म की, भी रेसिज्म होता है या नहीं होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसी भी जगह के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं रेसिज्म के बारे में, रशिया में रेसिज्म होता है या नहीं। तो बात करते हैं रेसिज्म की, यहाँ पे रेसिज्म एक्चुअली में बिल्कुल नहीं है। मैंने आज तक यहाँ कभी भी रेसिज्म को फेस नहीं किया, और दोस्तों ने मेरे किसी ने आज तक रेसिज्म को फेस नहीं किया। ये हंस रही हैं, देख ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं आपको, अभी ये लोग मेरे पे हंस के गए भी, ये व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन ये रेसिज्म में काउंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अभी है नहीं यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है फायर की, और खाना वाना छोड़ के हमें बाहर जाना पड़ेगा। नहीं पता हम स्लो क्यों चल रहे हैं, वैसे तो लेट भाग के चलना चाहिए क्योंकि फायर की ट्रेनिंग है। भाग रहे हैं सारे लोग, आग लगी हुई है, ये देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, और इधर ही खड़े हो जाते हैं ताकि वापस जाने में जल्दी हो। ये सारे हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं। परवीन तू बता, तूने कभी रेसिज्म फेस किया है यहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया ना। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे ना, पता क्या, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक मॉल में आग लगी थी किसी दूसरी सिटी में, तो उसकी वजह से आजकल ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, तो जो भी ऐसी प्रैक्टिस होती है ना बहुत फ्रिक्वेंटली होने लग गए हैं, और सबको बाहर जाना ही पड़ता है, तो इसलिए अब हम सारे बाहर खड़े हैं। अब मैं फिर से कैंटीन में बैठे हैं, ये हमारा रशियन फूड। यहाँ ना कैंटीन में हमारी सेल्फ सर्विस होती है, वहाँ जाओ प्लेट उठाओ खाना लो, एंड में कैशियर होता है, खरीदो वहाँ से और यहाँ आके बैठ के खाओ, और फिर बाद में ही खुद से ही करना होता है, उसको उठाओ और डस्टबिन में डाल दो। इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सही लगता है एक्चुअली में, बाकी आप लोग बताओ। और अभी सामने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, अब आप डिसाइड करो ये रेसिज्म है नहीं, एक्चुअली रेसिज्म नहीं है तो स्ट्रगल है ब्लॉगिंग की, क्यों परवीन? हाँ, ये स्ट्रगल है या रेसिज्म? सामने वो लड़कियाँ अपनी तरफ देख के हंस रही हैं। वो तो खुश होना चाहिए ना तेरे को, कि तेरे को देख के लड़कियाँ हंस रही हैं, तो अच्छी बात है। पॉपुलर हैं यहाँ, बहुत हैंडसम लौंडे हैं हम यहाँ के, इंडिया के यहाँ, इनको देखने को नहीं मिलते हमारे जैसे लड़के, बहुत पॉपुलर हैं हम, पहले बता रहा हूँ। ये भी मैं ये बुक लेके आया हूँ, और सर्जरी की बुक है, और मैंने रशियन में ली है क्योंकि मतलब आपको पता ही है जो इंग्लिश की बुक है वो इंटरनेट से मिल जाती हैं आराम से, लेकिन रशियन की बुक में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे कई बार हेल्पफुल लगती है, इसलिए मैं रशियन बुक पढ़ लेता हूँ बहुत टाइम। मैं नहीं, मेरे ग्रुप के लोग हैं जो वो भी यही पढ़ते हैं, हम सब रशियन बुक ही लेते हैं फिफ्थ ईयर में आके। तो अभी मैं जस्ट घर पे हूँ, और अभी मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें आप लोग बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे भी अपने रशियन दोस्तों के साथ कोई वीडियो बनाओ उसमें, तो मैं अपने जितने भी सारे दोस्त हैं और बल्कि उनके भी आगे फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक वीडियो बना रहा हूँ, जो जल्दी आएगी चैनल पर, अगले 2 या 3 हफ्ते तक आ जाएगी, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आई होप आप सबको वो पसंद आएगी। और आज की जो हम बात कर रहे हैं रेसिज्म के, एक्चुअली में रेसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करती है लोगों पर, ना कि किसी कंट्री पर। हर कंट्री में ना हर टाइप के लोग होते हैं, अपने इंडिया में भी हर टाइप के हैं, रशिया में भी हर टाइप के हैं, और यहाँ पे अपने को ना मतलब ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो रेसिस्ट होंगे, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो नहीं होंगे। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैक्सिमम लोग जो मिले हैं ना अच्छे मिले हैं, मेरे बहुत सारे रशियन फ्रेंड हैं यहाँ पे, होगा ही नहीं कोई इंडियन जिसके इतने रशियन फ्रेंड जितने हम लोगों के हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से, मैंने जितना भी कम्युनिकेट किया ना इंडियंस से मैं बहुत कम कम्युनिकेट करता हूँ, बल्कि जो मेरे खुद के कोर्स के कुछ लोग हैं जो मैं उनसे कभी बात ही नहीं की यहाँ पे 5 साल से, बल्कि मैं रशियन से ज़्यादा कम्युनिकेट करता हूँ।
और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ मिलके एक हमने बिल्कुल ग्रुप बनाया ओरन इंडिया के नाम से, जिसमें हम इंडियन कल्चर को रशिया में दिखाते हैं, लोगों को वो पसंद आता है, हम इंडियन फूड, इंडियन कल्चर, इंडियन डांसेज, इंडियन सॉन्ग, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। आपको अगर इंटरेस्टिंग हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिलेगा, आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, फेसबुक पेज देख सकते हैं और अपने व्यूज़ दे सकते हैं ओरन इंडिया के बारे में। और अभी हम उसको दोबारा करेंगे, उस पर एक आगे वीडियोज़ बहुत सारी बनेंगी। और मैं अगर पर्सनली बताऊं, मेरे को रशियन लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं, बात करते हैं, बहुत ओपन नहीं होते स्टार्टिंग में, तो एकदम से आपसे बात नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, लेकिन अगर बात होनी स्टार्ट हो जाए ना, एक बार आप दोस्ती बन जाए या फिर आपने खुद से जाके बोल दी, बात करनी शुरू कर दी, सामने वाले को अगर इंटरेस्ट आ गया तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ऐसे होते हैं रशियन लोग, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और रेसिज्म ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ रेसिज्म नहीं होता, यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत, एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अभी अनसेफ है, अनसेफ कुछ नहीं है, सेफ कंट्री है, सेफ लोग हैं और आप रह सकते हो अच्छे से। पता कई बार क्या होता है ना, प्रोवोकेशन होती है, आपको कभी प्रोवोक नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को। और यहाँ पर क्या होता है ना, प्रोवोक नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती और वहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक क्या होता है ना, अपने लोग इंडियंस होते हैं वो थोड़े शोर करने वाले होते हैं, आप म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं, नाच गाने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे वीकेंड्स पे होता है और वो भी क्लबों में होता है, घर पे कोई नहीं करता, अपने यहाँ बच्चे यहाँ हॉस्टल में बहुत करते हैं घर पे। अपने यहाँ तो क्या होता है ना, सुबह उठते 8 बजे गाने चला लेते हैं जोर ज़ोर से, ऐसा कौन करता है, सुबह का टाइम होता है शांति से बैठने का, सोचने का, और सुबह ही आप अगर गाने चला रहे हो फुल वॉल्यूम में तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस में कई बार प्रॉब्लम्स आई हैं, और रेसिज्म उसको भी नहीं बोला जाएगा, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स बोली जाएंगी नेचर की। और यहाँ के रशियन लोग क्या होते हैं ना, यहाँ के लोग ज़्यादा चुपचाप रहने वाले, अपने लाइफ को शांति से निकालने वाले, यहाँ आपको ना सड़कों पे भी शांति मिलेगी इस टाइम 8-9 बजे के आसपास बिल्कुल शांति हो जाती है, लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, म्यूज़िक आपको घरों में किसी के सुनाई नहीं देगा, कारों में आपको बहुत टाइम सुनाई दे जाएगा, वैसे सुनाई नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसा देश वैसा भेस, और जैसे रंग में आप रह रहे हो वैसा ढलना सीखना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अपने को यहाँ लाइफ टाइम तो रहना नहीं है, 6 साल पढ़ने आए हैं, 6 साल थोड़ा अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ डिग्री लेना है, पढ़ाई करना है, इम्पोर्टेंट जो हमारा गोल है ना उसको नहीं कभी भूलना चाहिए, उससे भटक के ना फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग अडेप्ट नहीं कर पाते, सबको आदत नहीं होती, सब लोग अपने माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, एकदम से यहाँ आ जाते हैं, फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल जाता है और उसमें बहुत गलतियाँ हो जाती है, ध्यान रखें इस बात का। और बाकी रेसिज्म ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सही है, सेफ है। और बहुत से लोगों का मेरे को फेसबुक पे मैसेज आया था, अभी वो आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पिताजी थोड़े डर रहे थे, तो मैं उनके पिताजी को भी कहना चाहूँगा, भी ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है आपका लड़का अडेप्ट कर पाता है या लड़की अडेप्ट कर पाएगी, वहाँ पर रह पाएगी या आपके बिना, वो लोग इतने मैच्योर हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, आराम से आप भेज सकते हैं। बाकी जो भी आपका कोई सजेशन हो आप कमेंट में लिख दीजिए। और ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।